वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं मांसपेशी या मसल्स के बारे में। हमारे शरीर में 600 से अधिक मांसपेशियां हैं। कुछ मांसपेशियां आपको चलने, उठने या बैठने में मदद करती हैं, दूसरी ओर कुछ मांसपेशियां आपको खाना पचाने, सांस लेने या देखने में मदद करती हैं। हमारे हार्ट में भी मांसपेशियां पाई जाती हैं जो शरीर में रक्त पंप करता है। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो शरीर में अलग अलग मांसपेशियां पाई जाती हैं और इनका काम अलग अलग होता है लोकेशन के हिसाब से। यहाँ चलिए देखते हैं मसल्स टिश्यू के टाइप्स कितने होते हैं। यहाँ पर हमारे जो मसल्स टिश्यू हैं हमारी बॉडी में, वो मेनली तीन टाइप के होते हैं। सबसे पहला है हमारा स्केलेटल मसल्स टिश्यू। ये जो मसल्स होते हैं उन्हें स्ट्रेटेड मसल्स भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि अगर आप इन्हें माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इनमें आपको क्लियर बैंड या धारियाँ दिखाई पड़ेंगी। ये जो लाइट और डार्क कलर की धारियां या बैंड है वो सार्कोमियर, एक्टिन, मायोसिन और प्रोटीन के ऑर्गेनाइज बंडल होते हैं, जिसकी वजह से हमें धारियां दिखाई पड़ती हैं। हमारी जो ये धारियां हैं स्केलेटल मसल टिश्यू में, वो इन टिश्यू को क्विकली कॉन्ट्रैक्ट और रिलीज होने में मदद करती हैं, मतलब कि तुरंत मूवमेंट करने में मदद करती हैं। हमारे जो स्केलेटल मसल्स टिश्यू होते हैं वो हमारी हड्डियों के साथ अटैच रहते हैं पूरे बॉडी में, और ये टेंडन की हेल्प से हमारी हड्डियों के साथ जुड़े हुए होते हैं। स्केलेटल मसल्स टिश्यू जो हैं वो हड्डियों के साथ जुड़कर हमारे बॉडी का जो वेट है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ हमारे बॉडी का जो मूवमेंट है उसको भी यहाँ पे हेल्प प्रोवाइड करते हैं। ये जो मसल्स हैं वो वॉल्यूंटरी मसल्स होते हैं, मतलब कि इन्हें आप अपनी इच्छा से हिला सकते हैं। शरीर में दूसरे मसल्स भी पाए जाते हैं जिसको हम अभी आगे देखेंगे, उनको आपकी परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ही मूवमेंट करते रहते हैं, जैसे कि हमारा दिल। लेकिन यहाँ पे जो हमारे ये मसल्स होते हैं स्केलेटल मसल्स टिश्यू, वो वॉल्यूंटरी होते हैं और ये हमारे पूरे कंट्रोल में होते हैं। जब हम इनको चाहें तब ही ये मूवमेंट करेंगे। सेकेंड टाइप का हमारा जो मसल्स टिश्यू है उसे कहा जाता है कार्डियक मसल्स टिश्यू। इस प्रकार के जो टिश्यू होते हैं वो हमारी हार्ट की लाइनिंग बनाते हैं और इसीलिए ही इन्हें कार्डियक मसल्स कहा जाता है। इस टिश्यू की वजह से हमारा जो हार्ट है वो ब्लड पंप कर पाता है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड है वो पूरे बॉडी में फ्लो होता है। हमारा जो कंट्रोल है कार्डियक मसल्स के ऊपर नहीं होता, ये इनवॉल्यूंटरी होते हैं, ये अपने आप हमारे बिना परमिशन के काम करते रहते हैं। आप जानते ही हैं कि हार्ट जो है वो 2400 घंटा काम करता है, चाहे हम उसमें इंटरफेयर करें या ना करें वो अपना काम करता जाएगा। क्यों करता जाता है? क्योंकि इनमें पाया जाता है कार्डियक मसल्स, जो कि अपना काम करते जाते हैं हमारे बिना किसी कंट्रोल के, इसीलिए इन्हें इनवॉल्यूंटरी मसल्स कहा जाता है। अगर हम इनमें धारियां या बैंड की बात करते हैं तो स्केलेटल मसल्स टिश्यू की कंपेयर में इसमें धारियां कम पाई जाती हैं, बट इनमें ब्रांचेस दिखाई पड़ते हैं अगर इनको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो। और ये जो ब्रांचेस हैं वो इनकी कोशिकाओं का जो अरेंजमेंट है उसकी वजह से दिखाई पड़ता है। जब दो कोशिकाएँ आपस में जुड़ती हैं तो इनके बीच का जो डिस्क है उसको इंटरकलेटेड डिस्क कहा जाता है, और इसकी वजह से यहाँ पे ब्रांचेस दिखाई पड़ती हैं। तो इस प्रकार से हमारा सेकंड टिश्यू हो जाता है कार्डियक मसल्स टिश्यू। इसी प्रकार का मसल्स हो जाता है स्मूथ मसल्स। इनमें बैंड या धारियाँ आपको दिखाई नहीं देंगी, ये हमारी बॉडी के कुछ ऑर्गन में दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि ब्लैडर, स्टमक और इंटेस्टाइन। स्मूथ मसल्स हमारी बॉडी के बहुत सारे बॉडी सिस्टम में मुख्य भूमिका अदा करते हैं, जैसे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमारे यूरिनरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें आपको स्मूथ मसल्स दिखाई पड़ सकते हैं। ये जो मसल्स होते हैं वो भी अपना काम हमारे बिना परमिशन के करते हैं और करते जाते हैं, मतलब कि ये इनवॉल्यूंटरी मसल्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारी बॉडी में हमारा जो मसल्स टिश्यू है वो मेनली तीन टाइप के होते हैं। पहला था हमारा स्केलेटल, दूसरा है कार्डियक और तीसरा है स्मूथ। दोस्तों आज का जो वीडियो था उसको यहाँ पे कंप्लीट करते हैं और यहाँ पे आज का एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। हमारे हार्ट में कौन सा मसल्स पाया जाता है, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स या स्केलेटल मसल्स? आंसर कॉमेंट करके दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।